हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप है। तो जो वीडियो आज हमारा वो है हर्ष राजपूत चैनल से, और जो वीडियो है वो है एमएलए का इंटरव्यू। ये वीडियो हमारा, इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे है। ओ भाई डिस्क्लेमर, ये देखिए साला, ओ भाई आ रहे हैं वहां से। चुनाव हुआ से पहले नजरों नहीं आता, चुनाव के बाद देखिए साला। नमस्कार, आपका स्वागत है धाका न्यूज के नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाका न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क है। हम यहाँ पे अभी आए हैं लड़खिसोर पंचायत में। जब पिछली बार आए थे, मुखिया जी का इंटरव्यू लिए थे, बड़ा दर्दनाक इंटरव्यू था, बड़ा वायरल भी हुआ था। हम इसी गाँव में आए हैं और यहाँ पे देखिए विधायक जी का जनसंपर्क अभियान जो यहाँ पे चालू है, और दो टर्म से यानी 10 साल से यहाँ पे है ये विधायक लगातार बने हुए, लेकिन क्षेत्र के लिए लंड कुछ काम नहीं किया। जैसा की देख सकते हैं इधर रोड वोड कुछ नहीं बना है, एकदम ऐसी लड़चट रोड है। तो इनसे भी बात करेंगे हम इस बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जनता भी है यहाँ पे। तो इधर आइए, जनता से भी बात करना जरूरी है ग्राउंड लेवल पे। हम जनता से बात करते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले? गांव के रहने वाले हैं जी। तो आप बताइए, विधायक जी जीत जाएंगे? मतलब अच्छा काम किए हैं? तो अच्छा काम मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल, रोड वोड सब ये सब बनवाए हैं? ये सब बन नहीं बनवाए हैं, रोड मतलब नहीं बनवाए हैं। तो कल लंड अच्छा काम किए हैं। तो अच्छा ये बताइए कि मतलब इस बार आप वोट देंगे? हम देते आ रहे हैं, देते अच्छा, रहेंगे अच्छा। तो मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनवाए हैं, तो मान लीजिए कि आपको बवासीर हो जाता है, गांड से खून उनाने लगता है, तो मतलब कैसे आप कैसे कीजिएगा? मैनेज हो जाता है, मैनेज कर ना होने के बाद भी वोट इन्हीं को दीजिए? हाँ, इन्हीं की देंगे, हमारे जाति भाई हैं। रीजन ये है कि क्या? जाति भाई हैं, जाति भाई हैं, आपके जाति के हैं, उन्हें तक ये वोट दीजिएगा? हाँ अच्छा, एकदम जनता लड़चट है, ये कुछ बोले? जाइए उधर काम कीजिए। मतलब ये देखिए जाति का है, तो अपनी जाति के जो नेता है उनसे गांड भी मरवा लेंगे ये लोग, वोट देना क्या बात है? इनको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मरो बहन चुप बवासीर से तुम लोग यार, यही यहाँ का जनता है। ये देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या पार्टी ये जो कर रही है वो सही कर रही है, कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है उसको लगातार टिकट देना, तो क्या ये पार्टी की भी गलती नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है? ये देखिए इनसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब, सबसे पहले बताइए कि मतलब ये पार्टी कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से तम्बाकू और दारू रहना चाहिए पार्टी में। अरे चुनाव वाला पार्टी के बात करें, भक्चुंदर आदमी होगा साला, एकदम बुड़बक आदमी है साला। सही में यहाँ की जनता जो है ना चुतिया ही है, कुछ कहने का जरूरत नहीं है। देखिए इनसे बात करेंगे हम थोड़ा सा, आइए मेरे साथ, दिखाइए इनको। नमस्ते नमस्ते, हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है, हमारे साथ विधायक जी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। दिलीप कुमार जाली। बड़ा ही छोटा परिचय दिया, हम बता दें कि लगातार यहाँ पे 2 टर्म यानी 10 सालों से यहाँ पे जीतते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप जीत जाते हैं इस बार, जीतिएगा जी? बिल्कुल, जनता का साथ, जनता का विश्वास सब सब है, मतलब जीत जाइएगा ना? बिल्कुल। तो अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले पार्टी करेंगे। जीतते हैं तो सबसे पहले पार्टी करेंगे, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात करी है तो पता चला यहाँ पे रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और भी कई समस्या है, और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को। तो रोजगार वगैरह दिलाने के लिए क्या कीजिएगा? कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब रोजगार वगैरह दिलवाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो और ये बताइए कि मतलब यहाँ पे हमने बात किया तो पता चला हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसके क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? देखिए उस क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। अरे तो महाराज, आप यहाँ पे 2 बार से यानी 10 साल से, 5-5 साल का 2 टर्म से विधायक हैं, तो 10 साल से काम चल रहा है? जी उधर काम चल रहा है, योगा दिवस पर योगा भी करवाए हैं। अच्छा, योगा दिवस पे योगा, मतलब देखिए योगा करवा दीजिए, बीमारियां खत्म कर दीजिए साला, जरूरत नहीं होगी ना, कितना इनका महान सोच है विधायक जी का। तो यहाँ पे अच्छा, और एजुकेशन लेवल भी हम लोग देख लेते हैं इनका थोड़ा सा। तो यहाँ के युवाओं का कुछ का मांग था कि मतलब हमको पोर्न हब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो भी दिया जाएगा? वो भी दे देंगे, वो भी दे दीजिएगा। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं एजुकेशन लेवल है, प्रीमियम जो है वो भी देने के लिए तैयार है यहाँ के जनता को, और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हमको। अरे ये देखिए मुखिया जी हैं जो पिछली बार इधर। ये देखिए मुखिया जी, पिछली बार हम आपका इंटरव्यू लिए थे यहाँ पे लड़खिसोर पंचायत में, क्या जीत गए? हार गए। इनका पिछली बार बहुत ही एकदम जबरदस्त इंटरव्यू हुआ था इन्हीं मुखिया जी का, तो दोबारा से इनका इंटरव्यू ले जाइए, आप भी आ जाइए इधर, आपका भी। अरे आइए ना, इंटरव्यू लेते हैं, सुनिए तो। अरे नहीं मारेंगे इस बार, आइए ना। ये देखिए मुखिया जी वहाँ पे चले गए हैं, पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इनका। तो अब ये बताइए कि मतलब क्या लाइव कैमरे पे हम आप
आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से बात कर सकते हैं? जी चलिए साथ मेरे बात कर सकते हैं उनसे समस्याओं के बारे में बात। देखिए विधायक दिलीप कुमार जाली मेरे साथ हैं जो कि लगातार यहाँ पे विधायक हैं और इस क्षेत्र में लंबे कुछ काम नहीं किए हैं। आइए मेरे साथ कुछ लोगों से बात हम करते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आइए घर है तो इसी में आइए विधायक जी, यहाँ पे आइए घर में चल के लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। आइए विधायक जी, यहाँ पे देखिए हम लोग एक घर में आ गए हैं। आइए आइएगा हमारे साथ, आइएगा इधर, आइए इधर आओ जी, तुम इधर आओ। देखिए कितनी सो रहे हैं उनको। हेलो, अरे देखिए विधायक जी आए आपके पास। जी जी, तो जाली जी है तो वोट दीजिएगा इनको। हाँ वोट देंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब हमने कैमरे के पीछे भी बात किया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब बढ़िया काम नहीं हुआ, तो क्या आपको कुछ समस्या है इनसे, कुछ काम अच्छा किए हैं? हमारे समस्या सब विधायक जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, हम इनको वोट हमेशा के लिए देंगे और फिर भी इनको जिताएंगे हम। मच्छर का दवाई यार जरा हो तो मतलब लाइन उन करता है। अरे यार इसमें चूना लगा के रखे थे, थोड़ा बहुत सब मेरा पेंट में चल गया। तो आप बताइए कि मतलब क्या यहाँ पे जैसे मच्छर का दवाई आप जलाए हैं तो क्या लाइट कटता है यहाँ पे? लाइट ठीक ठाक रहता है, सब ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे लाइट का क्या सीन है, जैसे आपकी पार्टी 24 घंटा बिजली रहता है? यहाँ पे 24 घंटा बिजली आप देते हैं एकदम बिल्कुल? अरे क्या हुआ, मच्छर काटा है यार, गजब आदमी है, मच्छर काटा है जी, मच्छर का। आइए मेरे साथ, लाइट कट गया यहाँ पे, मच्छर भी काट दिया है। आइए मेरे साथ जिंदाबाद। अरे बहनचोद गलों पे छाप पड़ गया जी, चलो निकलो जी यहाँ से, बहनचोद के मारे हैं जबरदस्त, निकलो भगवान यहाँ पे निकले। आप देख रहे हैं गलिया पे छाप पड़ गया, आप लोग देखते रहे धाकर न्यूज चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की खबरें आती रहेंगी। चलो रे टेम्पो कहाँ है, टेम्पो कहाँ है, हम लिखो यार वो जैसे लाइट गया वो 3-4 झापड़ जड़ दिया उसे, काफी मजेदार वीडियो थी। आस्ते आस्ते हालत खराब हो चुकी है पूरी तरह से, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।